हेलो फ्रेंड्स, लव नेचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे पोहा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी में और शॉर्टकट तरीके से कोई नाश्ता बनाना चाहते हैं तो उसमें से एक पोहा है जो बहुत इजी वे में बन जाता है। उसके लिए हम लोग को ज्यादा कोई सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उसके लिए क्या क्या लेते हैं आइए देखते हैं। ये है हरी मटर, मैंने ले लिया है। एक प्याज को हमने कट करके ले रखा है, और एक टमाटर, दो हरी मिर्च और धनिया के कुछ पत्ते लेकर रखे हैं। बस इतनी सी चीजें से हमारी पोहे बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बन जाएंगी। और साथ ही हमने चूड़े को ले रखा है। आप लोग को जैसा कि पता है कि चूड़े के बिना पोहा बनना पॉसिबल नहीं है, तो पहले हम लोग चूड़े को निकाल लेंगे और आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये हमने कढ़ाई को बैठा लिया है और कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो हमने तेल या रिफाइंड ऑयल आपको ले लेना है। पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, तो अब हम लोग डालेंगे जो काट कर रखे हुए थे प्याज, मटर और हरी मिर्च। इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करते रहना है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम लोग जो टमाटर काट कर रखे थे उसको ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा ये पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। चूड़ा को हम लोग हल्का सा भिगो लेंगे। देखिए पानी डालकर हमने अच्छे से भिगो लिया है। फ्रेंड्स ना ज्यादा आपको भिगोना है और ना ज्यादा ड्राई रखना है, मीडियम में आपको भिगोना है। अब इसमें हम लोग चूड़े को डाल देंगे। हमने चूड़ा को डाल दिया है और ऐसे चलाते रहना है। थोड़ी ड्राई लगेगी चलाने में, बट इजी वे में हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम लोग डालेंगे हल्दी। हल्दी से अच्छी कलर आ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ ये थोड़ी ड्राई लगेगी, आप चलाओगी तब ऐसा लगेगा थोड़ा ड्राई हो चुका है, बट कोई नहीं, इसी वे में हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, फाइनली ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हमारा पोहा बनकर तैयार हो गया। अब इसे उतार कर हम लोग दिखाते हैं। तो ये देखिए, फाइनली पोहा बनकर तैयार हो गया। ये खाने में टेस्टी और बॉडी के लिए हेल्दी भी होती है, इसलिए आप लोग पोहा बनाएं, ये बहुत इजी वे में बनता है। और बना के हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।